नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 मई 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पहली बार कांगड़ा के प्रवास पर सीएम सुक्कू, सबसे बड़े जिले में 9 दिन तक लंबा प्रोग्राम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू पहली बार कांगड़ा जिले के लंबे प्रवास पर जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी टूर प्रोग्राम के अनुसार मुख्यमंत्री 9 दिन के लिए प्रवास पर है और इससे आगे का दौरा भी कांगड़ा चंबा का ही है। मुख्यमंत्री सुबह जुबरहट्टी एयरपोर्ट से गगल एयरपोर्ट धर्मशाला पहुंचेंगे और पहले दिन धर्मशाला डीसी ऑफिस में टूरिज्म जिला से संबंधित बैठकें करेंगे। ये बैठक पूरा दिन चलेगी। अगले 24 मई को भी मुख्यमंत्री कांगड़ा जिले में राजस्व, सामाजिक न्याय, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, शहरी कल्चर के साथ पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, फॉरेस्ट और जैसे विभागों के साथ बैठकें करेंगे। 25 मई को भी डगवार मिल्क प्लांट जाएंगे और नरवाना में बन रहे बायोडायवर्सिटी पार्क को देखेंगे। 26 मई को मुख्यमंत्री धर्मशाला से देहरा जाएंगे और शाम को देहरा से दिल्ली जाएंगे। 27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग वर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। 28 मई को दिल्ली से धर्मशाला आएंगे क्योंकि इसी दिन एनपीएस एसोसिएशन की आभार रैली है। रैली के बाद मुख्यमंत्री फिर दिल्ली लौट जाएंगे और 30 मई को शिमला लौटेंगे। इसके अगले दिन 31 मई को मुख्यमंत्री फिर से कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। इससे आगे का टूर प्रोग्राम अभी जारी होना है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर लगाई रोक। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने संकाय फैकल्टी संबंधित कुछ खामियों के कारण हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेहरू चौक में श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज की मान्यता रोक दी है। इससे यहां से एमबीबीएस के पहले बैच के पास आउट हुए डॉक्टर और उनके अभिभावक परेशान हैं। उन्हें भविष्य की चिंता सता रही है। मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर हर वर्ष 2 बार एनएमसी द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसमें मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में मौजूद विभिन्न विभागों के फैकल्टी आधारभूत ढांचे को लेकर जांच की जाती है। अभी हाल ही में मान्यता को लेकर एमएनसी की टीम ने यहां का दौरा किया था। इसमें टीम द्वारा फैकल्टी को लेकर कमी पाई गई जिस पर आपत्तियां जाहिर की गई। एमएनसी की टीम ने इन खामियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए है। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डीके वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की टीम ने फैकल्टी की आपत्तियां लगाई थी। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के समय अधिकतर प्रोफेसर छुट्टी पर थे, जो आपत्तियां लगाई गई थी अब उन्हें दूर कर दिया गया है। मान्यता को लेकर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कीरतपुर मनाली फोरलाइन का 15 जून के बाद उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कीरतपुर नेहरू चौक मनाली फोरलाइन का 15 जून के बाद उद्घाटन कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से फोरलाइन का उद्घाटन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 15 जून के बाद पीएम मोदी फोरलाइन का उद्घाटन करेंगे। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि उद्घाटन समारोह बिलासपुर में होगा या कुल्लू में। कंपनी के तहत सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं कंप्यूटर शिक्षक कक्षों का करेंगे बहिष्कार। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में तैनात करीब 1300 कंप्यूटर शिक्षक अब कंपनी के तहत सेवाएं देने को तैयार नहीं है। शिक्षक संघ का कहना है कि अगर फिर से कंप्यूटर शिक्षकों को कंपनी के तहत रखा गया तो स्कूलों में कक्षों का बहिष्कार किया जाएगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षकों की एक्सटेंशन 30 अप्रैल 2023 को समाप्त हो चुकी है। 22 दिन बीत गए लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को लेकर उचित फैसला नहीं लिया है। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर प्रदेश भर में शिक्षक नियमित सेवाएं दे रहे हैं। 10वीं का परीक्षा परिणाम इसी हफ्ते निकालेगा स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला। 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम के बाद अब स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 10वीं कक्षा का परिणाम भी इसी सप्ताह घोषित करेगा। रिजल्ट घोषित करने के लिए बोर्ड प्रबंधन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। रिजल्ट तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में है जिसे इसी हफ्ते पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि अगले 3-4 दिन में 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को घोषित कर दिया जाएगा। 10वीं कक्षा का परिणाम लगभग तैयार है, रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोशिश रहेगी कि परिणाम को इसी हफ्ते घोषित कर दिया जाए। 1500 रुपए की पहली 4 किस्तें हर महीने मिलेगी, फिर 6 महीने के एक साथ मिलेंगे 9000 रुपए।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाहौल स्पीति जिला के स्पीति क्षेत्र की महिलाओं को प्रतिमा 1500 रुपए देने वाली इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना अधिसूचित कर दी है। स्पीति क्षेत्र की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की पहली 4 किस्त हर माह मिलेगी, फिर 6 माह के बाद 9000 रुपए मिलेंगे। 1 जून से योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सितंबर तक 1500 की राशि प्रतिमा बैंक या डाकघर के खाते में दी जाएगी। इसके बाद 6 माह के आधार पर पैसा दिया जाएगा। सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए तहसील कल्याण अधिकारी काजा के पास आवेदन करना होगा। 18 से 59 वर्ष की आयु वाली स्पीति की स्थायी निवासी महिलाएं और बौद्ध भिक्षुणियों चोमो योजना के तहत 1500 रुपए लेने के लिए पात्र होगी। एसपीयू शिमला बीटेक के 5 कोर्सों में प्रवेश के लिए 31 मई तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संस्थान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 5 बीटेक कोर्स में प्रवेश लेने के लिए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 31 मई तक बढ़ा दी है। 20 मई तक पूर्व में निर्धारित की गई अंतिम तिथि को बढ़ाने के लिए कुलपति से मिली मंजूरी के बाद आवेदन करने के लिए फिर से 31 मई तक पोर्टल खोल दिया गया है। प्रदेश भर के विद्यार्थी जो इन कोर्स के लिए होने वाले प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, वे बढ़ाई गई तिथि के बाद अब 31 मई तक एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। डीसी कुल्लू का ऑफिशियल फेसबुक पेज हैक, पोस्ट किए अश्लील वीडियो। हैकरों ने डीसी कुल्लू के ऑफिशियल फेसबुक पेज को हैक कर दिया। डीसी कुल्लू के पेज पर हैकरों ने अश्लील वीडियो पोस्ट कर दिए। डीसी कुल्लू के ऑफिशियल पेज पर प्रशासन की ओर से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों व अन्य जानकारी लोगों को मिलती है। पेज में 10,000 से अधिक फॉलोअर्स है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि डीसी कुल्लू के ऑफिशियल फेसबुक पेज को किसी ने क्लोन वर्जन तैयार कर हैक किया है। इस नाम से अनाधिकृत रूप से फेक आईडी बनाई गई तथा आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किया जा रहा है। फिलहाल इस पेज को ब्लॉक किया गया है। ओपीएस बहाल न होने पर भड़के बिजली बोर्ड के कर्मचारी, 25 मई को प्रदर्शन। बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होने पर कर्मचारी भड़क गया है। 25 मई को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। बीते शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई सर्विस कमेटी की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के प्रस्ताव को शामिल नहीं करने पर कर्मचारी यूनियन ने बोर्ड प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि अब सरसाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के फैसले पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने मई के वेतन में भी एनपीएस शेयर कटने का विरोध किया है। बोर्ड की कर्मचारी यूनियन और तकनीकी कर्मचारी संघ ने जल्द ओपीएस बहाल नहीं करने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। जनता की मांग के मुताबिक काम करे अधिकारी, चौपाल में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिया आदेश। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को चौपाल विधानसभा क्षेत्र प्रवास के दौरान विश्राम गृह चौपाल में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से भेंट की तथा जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग, एचआरडीसी और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ चौपाल क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रतिबद्धता के साथ कार्यों का निर्वहन करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल में कैसी होगी नई भर्ती एजेंसी, क्या कुछ होगा नया, उठने वाला है पर्दा। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपरलीक का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने आयोग को बंद कर दिया था, लेकिन आयोग की जगह क्लास 3 की भर्तियों के लिए नई एजेंसी आयोग कैसा होगा, इसके लिए रिटायर आईएएस अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में सरकार ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी की दूसरी बैठक सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय में मंगलवार को होने वाली है। इसमें 3 अन्य मेंबर भी शामिल होंगे, जिनमें पूर्व आईएफएस अधिकारी अजय कुमार, इंडियन कोस्ट गार्ड के पूर्व अफसर देवराज शर्मा के अलावा निदेशक आईटी मुकेश रैप सुभाष भी शामिल है। इससे पहले हुई पहली बैठक में तीनों सदस्यों को भर्ती एजेंसी का प्रारूप तैयार करने के लिए कुछ काम दिया गया था। बाहरी राज्य और भारत सरकार में क्या व्यवस्था है, ये स्टडी करने को कहा गया था। डिफेंस में क्या प्रक्रिया रहती है, ये सूचना भी मांगी थी। अब मंगलवार को होने वाली बैठक में आगे का प्रारूप तय हो सकता है। हिमाचल में सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड, 42.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, छूटे पसीने। हिमाचल प्रदेश के ऊना में सोमवार को सबसे गर्म दिन रहा, तापमान 42.4 डिग्री तक पहुंच गया। प्रदेश में मंगलवार से 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इसके बाद आगामी 2 दिन का येलो अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है।
28 मई तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। मई की चिलचिलाती गर्मी से भी निजात मिल सकती है। ऊना का पारा बढ़ने से लू जैसे हालात बन गया है। दोपहर को बाजारों में सन्नाटा रात। 23 मई से जारी येलो अलर्ट के अनुसार मैदानी निचले और मध्य पहाड़ियों पर भारी वर्षा, गर्जन ओलावृष्टि और हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। पोर्ट एवन में सैलानियों के लिए खुला मनाली ले मार्ग, रवाना हुए 407 वाहन। मनाली ले राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर ओड और एवन के तहत वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। सोमवार को मनाली की तरफ से ले के लिए एवन तिथि के तहत वाहनों को भेजा गया। इसमें ट्रक के साथ कई सैलानियों के वाहन भी शामिल है। पहले दिन ओड एवन फॉर्मूले में 407 गाड़ियां मनाली की तरफ से ले के लिए रवाना हुई है। ले की तरफ से सरटू में रुके करीब 50 गाड़ियों को भी मनाली के लिए भेजा गया है। मंगलवार को ओड तिथि में ले से वाहनों को मनाली के लिए भेजा जाएगा। ले में 15 बाइकों से तोड़फोड़, मनाली में जमकर हुआ हंगामा, बाइक एसोसिएशन ने हाईवे पर किया चक्का जाम। पर्यटकों को किराए पर दी गई बाइकों के साथ ले में तोड़फोड़ होने के बाद मनाली में हंगामा हो गया। गुस्साए बाइक एसोसिएशन के लोगों ने मनाली ले नेशनल हाईवे पर फोर लेन पुल के समीप चक्का जाम कर दिया। इससे करीब 10 मिनट तक यातायात पूरी तरह से थम गया। मनाली बाइकर एसोसिएशन का कहना कि रविवार रात मनाली से पर्यटक 15 बाइकों को लेकर गए थे, उनके साथ ले से थोड़ा पीछे तोड़फोड़ की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि लद्दाख बाइक रेंटल कोऑपरेटिव लिमिटेड के लोगों ने तोड़फोड़ की है, मगर घटना के संबंध में ले में FIR तक दर्ज नहीं की गई है। बिना लाइसेंस लिए बाहरी राज्यों की शराब लाने वालों की आएगी अब सामत। हिमाचल प्रदेश में अब बिना लाइसेंस लिए बिक्री के लिए बाहरी राज्यों की शराब लाने वालों की सामत आने वाली है। प्रदेश के सभी सीमावर्ती इलाकों में बाहरी राज्यों से आने वाली शराब की धरपकड़ को दो तरह की टीमें गठित कर दी गई है। सूबे के 13 राजस्व जिलों में कर एवं आबकारी विभाग ने इस विशेष अभियान को शुरू किया है। शराब तस्करी करने वालों पर आबकारी एक्ट के तहत FIR दर्ज होगी। सोशल मीडिया पर गुमनाम पत्र वायरल, दो अफसरों पर गंभीर आरोप। प्रदेश में सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल एक गुमनाम पत्र चर्चों में रहा। हिमाचल के दो वाला अधिकारियों के खिलाफ ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित किया गया है। गुमनाम पत्र में अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्र लिखने वाले ने अपना नाम और पहचान उजागर नहीं किया है। हालांकि लिखने वाले ने खुद को हमीरपुर जिले का निवासी बताया और सरकारी कर्मचारी होने के संकेत दिए है। वायरल हो रहे इस पत्र में शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि वे खुद भी पहले CM कार्यालय में रह चुके हैं। उसने जब इस मामले में उच्च अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उसका शोषण हो रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, तांग आकर सचिवालय में तैनाती लेनी पड़ी। उसने लिखा कि एक कड़क और ईमानदार अफसर को एक महत्वपूर्ण पद से हटा दिया गया। कर्मचारी ने यह भी लिखा कि अगर इस मामले में कड़ी कार्यवाही की जाती तो जांच में सहयोग के लिए भी खुलेआम तैयार है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोजाना आप यूट्यूब पर हमारे चैनल बोलता हिमाचल पर हिमाचल की सभी बड़ी खबर एक ही न्यूज बुलेटिन में रोजाना देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल यूट्यूब पर बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी आएगी सामने, उस घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही हम कोई आपको जानकारी देंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले आएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक जरूर करें।